अब मैं पुराने कुछ यादें दिखा रहा हूँ, ये शुरू शुरू में आए थे, जो 2 साल पहले ये हम ड्राइंग बनाए थे, टाइगर श्रॉफ का ड्राइंग है। अब ये सारा कचरा जो है इस पन्नी में कसना पड़ेगा, इस पोली में, उसके बाद सारा, उसके बाद रूम मेरा साफ हो जाएगा। ए, देख भाई भीड़ देख, कितना भीड़ है यहाँ पे। और अभी से खाना मिलना स्टार्ट है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि इतना लड़का आज ले रहा है यहाँ पे। भाई नोटिंग की बात देख ले, इधर नोटिंग की बात सो रहा है। ए समझ में गलत बात आ गई। ये रोटी ले लो, दो रोटी ले लेना। और लोग ले जाओ, और लोग तो बोलो हो जाएगा। हां नहीं हो जाएगा, उसको मॉडिफाई कर लो। ले ले ले, इसको मॉडिफाई कर लो। तो इसे काम ही खा लेंगे ना, और मटर दाल ले लो, दाल से दाल चल गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग सब सही होंगे, हम भी सही हैं। और अभी हम जाके, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, कम से कम 12 के करीब हो चुका है, और छुट्टी है मेरा यूनिवर्सिटी में, क्योंकि रामनवमी की छुट्टी दिया गया है यूनिवर्सिटी में। फिर 2 दिन के बाद लग रहा है फिर छुट्टी होगा, सैटरडे संडे का, तो उस दिन भी मतलब छुट्टी ही रहेगा। तो ये 2-3 दिन में मुझे बहुत ज़्यादा काम है, और मुझे सारा काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल थ्योरी जितना भी है नोट्स बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल को फुलफिल करना पड़ेगा। आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, ये सारा बुक मैंने निकाल करके रखा है। और रूम को भी साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा कचरा मुझे नज़र आ रहा है, इसमें सामान भरा हुआ है, इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कहाँ तक हो पाएगा। उम्मीद है कि मैं सारा काम 2-3 या 3 दिन में कर लेंगे, क्योंकि 2-3 महीना पीछे मैं जो काम नहीं किया है वो 2-3 दिन में हो जाएगा, क्योंकि उतना भी ये नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड है, देखते हैं कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा यहाँ पे बुक है, ये सारा सही करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कपड़ा कितना सारा गंदा पड़ा हुआ है, इसको धोना भी पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर धोया हुआ ही है। उसके बाद ये सारा फिर बुक है, फिर यहाँ पे ये सब सारा जो है सामान अभी निकालना पड़ेगा ये सब, और नीचे में फिर रहा बहुत ज़्यादा, मतलब बुक तो बहुत ज़्यादा ही है, मतलब इसको कॉपी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये सारा जो है हमको फिर अरेंजमेंट अच्छा से करना पड़ेगा। फिर ये वाला इधर इतना सारा रह गया, ये सारा चीज़ हमको अभी सही करना पड़ेगा। अब वक्त कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा ये सब सारा, देखो कितना सारा बिखरा हुआ है, सारा चीज़ मुझे सही करना पड़ेगा अभी, तो मैं एक एक करके आप करता हूँ। ये क्या है कि इम्पोर्टेंट सब जो रहता है ना, मैं यहाँ पे इधर रखता हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो ज़्यादा जितना भी वेस्टेज है सारा को मैं उधर डाल रहा हूँ। ये सारा जो है मेरा, ये पूरा मतलब जितना भी था जब से मैं आया हूँ 2-3 साल से, ठीक है, ये सारा उस समय का है, और ये सारा नोट्स ही था, मतलब ये मेरा कभी कभी काम आ रहा था, लेकिन तो मैं इसीलिए रख देता था इसको, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा नोट्स बना करके रखा था। और ये सब जो है ना अभी मुझे कोई काम का नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सब मुझे याद भी होगा थोड़ा सा, ठीक है, तो ये सब मुझे कोई काम का नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं इसको पूरा साफ कर रहा हूँ। बहुत देर से मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा वीडियो में मैं दिखा नहीं पाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सारा सामान जो भी निकाले, इसमें मेरा ये है फ्रूट व्रूट है, मैंने खरीद करके लाया था, सेब आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे में रखा हुआ था, ये चीज हो गया। उसके बाद ये फिर ड्राई फ्रूट मैंने खरीदा था, ड्राई फ्रूट तो थोड़ा थोड़ा करके है, इसमें देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके है, ये काजू, ये बादाम थोड़ा सा करके ही है। फिर ये सब भी थोड़ा साफ करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद उसमें वो सब्जी उब्जी लाए थे, ये टमाटर हो गया जैसे कि ये हो गया, तो ये रख दिए थे, ये भी रखा हुआ है, इसको यूज करना पड़ेगा इसके लिए। उसके बाद ये ब्राउन ब्रेड भी यहाँ पे है, बिस्किट है, और ये मार्को साबुन मैंने खरीदा था, सारा साबुन ही रखा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत अच्छा ये साबुन है, बहुत प्योरली मतलब है इसको कह सकते हैं, और इसको सारा साफ करना पड़ेगा। और थोड़ा सा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नीचे वाला मेरा ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारा अभी फिर साफ़ करना पड़ेगा मुझे।
और उधर तो पूरा कचरा भट्टी भर गया है, अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कचरा भट्टी यहाँ पे भरा पड़ा है अभी। और भी और मुझे लग रहा है मैं पुराने कुछ यादें दिखा रहा हूँ, ये शुरू शुरू में आए थे जो 2 साल पहले ये हम ड्राइंग बनाए थे, टाइगर श्रॉफ का ड्राइंग है। पहले बहुत अच्छा लगता था ये सब करने में, उसके बाद ये बनाए थे, उसके बाद मेरा जो है कॉपी जो है मतलब प्रैक्टिकल जो लिखते थे हम बहुत ही अच्छा उसमें भी ड्राइंग बनाते थे, क्योंकि शुरू शुरू में ना पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था और बहुत अच्छा से काम भी करते थे। देखिए ये सब फिगर मैंने खुद से बनाया था, ये सब किसका किसका फिगर है, गाय ऊंट बकरी कुत्ता का। उसके बाद और भी बहुत सारे बनाए हैं, उसके बाद ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर ये सब पोस्टर उस्टर बनाना पड़ता था। बहुत अच्छा से हम लोग शुरू शुरू में बहुत अच्छा मेहनत करते थे, पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा तेज थे, लेकिन धीरे धीरे जितना दिन गुजरते गया उतना भद्दा होते गए, पढ़ने का मन ही नहीं किया। फाइनली मेरा अलमीरा साफ हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सामान रहा, ये पूरा साफ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये सारा बुक, इतना सारा बुक, इसमें से भी कुछ निकालना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और ये मेरा सामान है, और कचरा आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा कचरा हो गया, ये सारा बाहर करना पड़ेगा। और ये कचरा हटाने के बाद मुझे कुछ सामान मिला, जैसे कि ये इतना सारा मोजा मिला हमको, आप देख सकते हैं सॉक्स, ये सारा सॉक्स हमको मिला। उसके बाद यहाँ पे पेन उन बहुत सारा था, यहाँ पे पेन उन भी बहुत सारा मिला है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मुझे 500 रुपया मिला जो मैंने यहाँ पे रख दिया इसमें, अगर ये मैं नहीं निकालता तो मुझे नहीं मिलता। सारा भी आप जितना देख रहे हैं ना, ये मेरा शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना हुआ था, एक एक दो दो पेज में, किसी में छोटा छोटा में था, कोई भी चीज़ होता था ना मैं इसको लिख लेता था पहले ही। और जितना सॉक्स मिला मैं काफ़ी खरीद करके लाता था, उसके बाद लेने के बाद धो करके इधर उधर रख देते थे, सारा अंदर में रह जाता था, लेकिन पता नहीं था, कम से कम 10-20 जोड़ा होगा ये सारा। अब इसको धो करके मुझे यूज करना पड़ेगा, पैसा भी कम खर्चा होगा।